देखिए, मैंने उस दिन सदन में प्रधानमंत्री जी को कहा था कि प्रधानमंत्री जी, आप दिल्ली की लाल किले से घोषणा की थी कश्मीरों के गोली से नहीं गले से मिला के हम आगे ले जाएंगे, लेकिन आज कश्मीर की हालात एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप जैसे हो गए। ना कोई मोबाइल कनेक्शन, ना कोई इंटरनेट, ना कोई लैंडफोन, ना कोई शिक्षण शिविर खुले हुए। अमरनाथ श्रद्धालु ने अमरनाथ जाने नहीं सका। आज तक कश्मीर ऐसा कभी हुआ कि हिंदुओं और श्रद्धालुओं ने अमरनाथ नहीं जा सकी, और मिसाइल जो मंदिर वहां भी नहीं जा सकी। ये क्या हो रहा है? हमारे वहां लाखों की संख्या में सेना मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद है, लेकिन फिर क्यों ना जा सकते हैं वहां? तो इस तरीके की माहौल पैदा करना एक हिंदुस्तान जैसे एक शक्तिशाली देश के लिए, मुझे लगता है कि ये थोड़ा हमारे खिलाफ कोई सवाल पूछने का मौका हम दे रहे हैं। कश्मीर सबके लिए खोल दिया जाए, क्या होगा? वहां तो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं हो रहा है, तो इतना गुपचुप तरीके से क्यों ऐसा हो रहा है? अचानक सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी किया जा रहा है कि सारे श्रद्धालु वापस चले आओ, सारे स्टूडेंट वापस चले आओ, सारे क्रिकेटर वापस चले आओ, सैटेलाइट फोन दिया जा रहा है, बाकी कोई संपर्क नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है?